कि जब स्मॉल कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट दी हुई है 4 करोड़, तो फिर सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। ये 10 करोड़ तक क्यों लेके गए हैं फिर? रीजन ये है कि आज के 4 करोड़ क्या आज के 10 साल बाद भी 4 करोड़ ही रहेंगे? क्या इन्फ्लेशन के कारण कीमत नहीं होनी चाहिए चेंज? होनी चाहिए। तो मतलब आज जो 4 करोड़ है, फ्यूचर में उसकी पता नहीं वैल्यू हो या ना हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 1970 में जब मेरे दादाजी कमाया करते थे 70 रुपए, तो भाई साहब 70 रुपए के अंदर पूरा परिवार चलता था। और पहले परिवार का मतलब होता था होलसेल में फैमिली, भाई साहब दर्जन डेढ़ दर्जन के हिसाब से तो लोगों के बच्चे हुआ करते थे। ये उस जमाने की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो 70 रुपए में दादाजी पूरा परिवार चला लेते थे, उसके बाद भी सेविंग होती थी। अब यहां पर आज की डेट में देख लो, अभी मैं क्लास लेके घर जाऊंगा, दोनों छोटे पोपली दरवाजे पे खड़े होंगे, कहेंगे पापा 100 रुपए दो। अब जब तक मैं इन दोनों छोटे पोपलियों को 100 रुपए नहीं दूंगा, इनके मुंह से दूसरी बार पापा नहीं निकलता। अरे कमाल हो गया, कहां से कहां समय पहुंच गया। 70 रुपए में खानदान पूरा पल जाता था महीने का, और उसके बाद सेविंग हो जाती थी। आज 100-100 रुपए में दो छोटे पोपली एक दिन के नहीं पल पा रहे। बट रुपए की कीमत उतनी ज्यादा आप तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। देखो ना कहां से कहां पहुंच गए हम। तो फिर लॉ मेकर ने भी कहा कि आज जो लिमिट है 4 करोड़, उसको मैं 10 साल बाद 4 करोड़ थोड़ा ना कहूंगा। शायद उस वक्त इंटरलॉ की फीस ही 4 करोड़ रुपए हो। क्यों मानते हो या ज्यादा फेंक दी मैंने?